Hi friends, welcome to our today video. So today we will do the third part of the exercise 5.2 of the book that cite Indian Learning Book 6. So friends, let's start. My name is Sahil and you are watching CBSE First Week Guide. फ्रेंड्स अगर हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना अगर हमने किसी भी इंटीजर को अलग अलग इंटीजर को मल्टीप्लाई करना हो या सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करना हो तो जो कि हमारा रूल होता है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ. अगर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को हमने करना हो तो हमारा आंसर जो कि आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस वाले में, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर में. और अगर हमने माइनस वाला लेफ्ट साइड हो और जो कि प्लस वाला हो वो राइट साइड में हो तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. ओके सो इसके बाद अगर हमने माइनस और माइनस को करना हो तो हमारा आंसर आएगा प्लस में, मतलब कि पॉजिटिव में. अगर हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव को करना हो, ये आम मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसको हम कर देंगे प्लस. ओके सो लेट्स डू अवर फर्स्ट पार्ट. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है माइनस 9 मल्टीप्लाई 4. इस वाले में जैसे कि हमारा जो कि सेकेंड रूल है वो वाला हो रहा है, माइनस प्लस माइनस आ जाता है इसमें. ओके सो हम इन दोनों को माइनस को भूलकर सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36. तो अब हमने 36 यहाँ पर लिख दिया. अब 36 लिखने के बाद यहाँ पर रूल था माइनस प्लस माइनस, तो हम इसके पीछे माइनस लगा देंगे और यही होगा हमारा आंसर. ओके सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट सम. सो जो कि हमारे नेक्स्ट सम है वो है 140 मल्टीप्लाई माइनस 5. तो इस वाले में कैसे हुआ है कि जो कि मैंने बताया है इस वाले में ये वाला रूल हो रहा है जो कि हमारा फर्स्ट वाला रूल है वो वाला वर्क कर रहा है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस. तो हम वैसे ही करेंगे, 140 को हमने 5 के साथ कर रहे हैं माइनस को भूलकर. 140 को अगर हम 5 के साथ करें तो आ जाता है हमारे पास 700, और 700 हम यहाँ पर लिख देंगे. बट यहाँ पर जो कि हमारा रूल था वहाँ पर माइनस आंसर आना चाहिए था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस. और अब जो कि हमारा नेक्स्ट रूल है वो है माइनस और माइनस. माइनस और माइनस में जो कि हमारा आंसर होगा वो आना चाहिए प्लस, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए. तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 13 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है 169. तो 169 हमारा आंसर आ गया, इसके आगे प्लस लिख देते हैं क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आना था. ओके सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट डी पार्ट. ओके सो जो कि हमारे डी पार्ट है उसमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, और जो कि जिनमें मल्टीपल नंबर हो जो कि बॉडमास वाला होता है वो अलग हो जाता है. इसमें हमको बॉडमास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारे मल्टीप्लाई दिए हुए हैं. तो हम वैसे ही करते हैं, सबसे पहले माइनस 6 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हुए, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जो कि हमारा आंसर आ जाता है. सबसे पहले हम ऐसे देख लेते हैं, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर जो कि हमारा आंसर आता होता है वो प्लस में आता होता है, पॉजिटिव में आता होता है. माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 4 तो हमारा आंसर आ जाएगा 24, और 24 के आगे हम प्लस लगा देते हैं आप सभी को दिखाने के लिए, वरना आप मत लगाना. ओके सो उसके बाद जो कि हमारा नेक्स्ट वाला है वो है 5 मल्टीप्लाई माइनस 10. तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 मतलब कि हमको यहाँ पर देखते हैं ये वाला फॉर्मूला, जैसे कि इसमें है और इसमें भी है, तो हम यहाँ पर 50 लिख देते हैं और माइनस इसके पीछे लिख देंगे. अब प्लस और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो कि हमारा आंसर आएगा वो हम कैसे करेंगे, एक साइड पर प्लस है एक साइड पर माइनस है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस इसका आंसर आएगा और आंसर आ जाएगा माइनस 1200. ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताने चाहता हूँ कि मेरे 1K सब्स हो चुके हैं, और मुझे अनबिलीवेबल लग रहा है कि मेरे 1000 सब्स हो चुके हैं. सो फर्स्ट एड ऑल थैंक यू. और अब मैं करूँगा जो कि ई पार्ट है हमारा वो वाला. ओके सो स्टार्ट करते हैं इसको. माइनस 7 और माइनस 5 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा जो कि सम है. तो अगर हमने माइनस और माइनस को हम करते होते तो हमारा आंसर होगा वो प्लस में आएगा, और हम लिखेंगे भी प्लस में.
माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस फाइव, तो माइनस को हम भूल जाते हैं, सेवन और फाइव को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 35, और 35 के आगे हम प्लस लगा देंगे आप सभी को दिखाने के लिए। और उसके बाद हमको टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो टू के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा हमारा, 70 आ जाएगा हमारा आंसर। और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर को करते हैं तो पॉजिटिव में ही आंसर आ जाता है प्लस 70। ओके सो अब जो कि हमारा ये वाला बचा हुआ सम है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, गलती के साथ मैंने लिखना भूल गया। ओके माइनस 15 को अगर हम जीरो के साथ करते हैं तो जीरो आंसर आ जाता है, और यहाँ पर है 70 जो कि प्लस 70 है। तो अगर हम प्लस वाले इंटीजर को अगर हम करें जीरो के साथ तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स जीरो ही आएगा, और इसका आंसर भी जीरो है। ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है माइनस टू एंड माइनस फाइव, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर देना, तो जो कि हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा 10, और वो भी अगर हम माइनस और माइनस को करते हैं तो प्लस में आंसर आ जाता है, तो हम यहाँ पर प्लस 10 लिखेंगे। और अब आगे है 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, अगर हमारे पास प्लस और माइनस करना तो माइनस में आंसर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाता है हमारा आंसर, और 8 के पीछे हम लगा देंगे माइनस, उसके बाद माइनस 1 है। सबसे पहले हम कर देंगे प्लस 10 और माइनस 8 को, अगर हम प्लस और माइनस को करते हैं तो माइनस में हमारा आंसर आ जाता है, तो हम वैसे ही करेंगे, 80 आ जाएगा हमारा आंसर, 80 माइनस। ओके सो मल्टीप्लाई 1 माइनस, तो अब अगर माइनस और माइनस को हम करें तो प्लस में हमारा आंसर आता है, तो हम इसको कर कर जो कि हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा 80, वो भी पॉजिटिव वाला। ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है, यहाँ पर गाइस कोई नंबर होगा जो कि मैं डालना भूल चुका हूँ, तो यहाँ पर है जो कि नंबर है वो है हमारा 1। ओके सो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 25, तो इसका जो कि अगर हमने इसका करना हो तो सबसे पहले माइनस 1 और माइनस 3 को अगर हमने करना हो मतलब कि, तो हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, तो हम प्लस में ही लाएंगे इसको, 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 प्लस आ जाएगा, प्लस मतलब कि पॉजिटिव 3, और मल्टीप्लाई माइनस 25, अगर हम प्लस और माइनस को करें मल्टीप्लाई तो जो कि हमारा आंसर होना चाहिए वो आ जाएगा माइनस में, और वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर, और जो कि हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा 75, वो भी माइनस वाला माइनस 75। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। तो जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो इसको हमको कैसे करना है, सबसे पहले पॉजिटिव वाले दो इंटीजर्स हैं तो हम वो ही कर देंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव में ही आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आम आंसर होता है 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144, और 144 को अगर हम माइनस 5 से करें, अगर हम प्लस और माइनस वाले को करें एक साथ, तो जो कि हमारा आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा माइनस में, और हम वैसे ही करेंगे तो जो कि हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा 720, वो भी माइनस वाला माइनस 720। अब मैं डिक्टेट कर देता हूँ सभी के आंसर, जो कि फर्स्ट वाला उसका है माइनस 36, सेकेंड वाले का माइनस 700, थर्ड वाले का प्लस 169, फोर्थ वाले का माइनस 1200, फिफ्थ वाले का जीरो, सिक्स्थ वाले का प्लस 80, और सेवन्थ वाले का माइनस 75, एट्थ वाले का माइनस 720, और यही हमारे हर एक सम के आंसर। ओके सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर 1K सब्स एंड बाय।